नॉट द लीस्ट जेंसार टेक्नोलॉजीज, जो कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिया था, क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक थे, उसके बाद बहुत परफॉर्म नहीं किया, पहले बहुत ऊपर जाके फिर अच्छा करेक्ट हुआ है, अब मुझे लगता है ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज आर वेरी गुड एट दिस लेवल्स। जिस तरीके से कल आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स कोफोर्ज की वजह से जो पूरा आईटी फ्लेवर बन गया था कल, तो मुझे लगता है कि आईटी, फार्मा, एफएमसीजी जो डिफेंसिव सेक्टर जो है, और प्लस कैश मार्केट का तड़का लगा दे, जो कि आप कह रहे हैं कि कैश मार्केट में तो जबरदस्त माहौल बनेगा, अभी भी बाकी है, और अभी भी जिस तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स है, तो मुझे लगता है कि माहौल वहां पे बाकी है, तो कैश स्टॉक्स। ओके, तो ये है आपके लिए जेन साहब की तरफ से पिक। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ। तो शुगर सेक्टर आज बढ़िया तेजी में आ सकता है। एसबीआई लाइफ एक बार इसके चार्ट्स पर भी नजर डाल देते हैं। शुभम जी, जो ब्लॉक डील होनी थी 3.5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स की, वो हो चुकी है और फ्लोर प्राइस के ऊपर के लेवल पर ही होती हुई दिखी। इनफैक्ट 1000 के पार प्री ओपन में ये जाते हुए दिखा है एसबीआई लाइफ। इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर इसके लिए। दीपांशु जी, एसबीआई लाइफ में अगर हम देखें, अगर 1000 के आसपास ओपन होता है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पुल बैक का, बट अगर 990 या उसके आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छा एंट्री का लेवल होगा। और हालांकि इसमें अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू हम बनाए तो मुझे लगता है कि 1060 तक के यहाँ पे टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, अगर इसको 2 से 3 हफ्ते का समय दिया जाए तो। खरीदारी की राय होगी 970 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 1060 तक का यहाँ पे टारगेट होगा। ओके, तो खरीदारी की राय होगी एसबीआई लाइफ पर। सिमी जी, एक और कैश स्टॉक पर, सिमी जी एक और कैश स्टॉक आपके लिए आईआरबी इंफ्रा, और यहां पर खबर है कि कंपनी में एलआईसी ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, 2% की हिस्सेदारी खरीदी है, 5% से हिस्सा 7% हो गया है। चार्ट्स पर आईआरबी कैसा लगता है मैम? मुझे तो लगता है दीपांशु, यहाँ पे भी मोमेंटम मेंटेन्ड होना चाहिए। 109 के आसपास अगर खुलेगा तो मुझे लगता है कि 110 के ऊपर जाने से इसमें नया मोमेंटम आ सकता है। 110 के ऊपर में मुझे लगता है कि 116 से 120 का रेंज खुल जाएगा इसके लिए। स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो 105 के आसपास लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा लोअर लेवल पर मिलने से बेहतर होगा। 105 का स्टॉप लॉस मेंटेन करने से मुझे लगता है कि 116 से 120 का टारगेट आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए आईआरबी इंफ्रा पर राय। आइए, बचे हैं 45 सेकंड और प्रू, इस पर हो रही है खरीदारी, 2% ऊपर ये काउंटर पे दिखेगा। और इंडसइंड बैंक यहां पर भी सुबह पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है। शुभम जी, इंडसइंड बैंक पर जरा राय दें, 950 के लेवल्स पर आ गया है, और मोमेंटम देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक तो आपका अच्छा, इंडसइंड बैंक पर क्या राय रहेगी? दीपांशु जी बिल्कुल, इंडसइंड बैंक पे भी अगर हम देखें तो एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट है, और इसी के चलते यहाँ पे एक अच्छा रैली हमें आता हुआ दिख रहा है, और इसमें मुझे लगता है कि इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो इंडसइंड बैंक में राय ये होगी कि एक कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे खरीद सकते हैं, और 980 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन को देखें, लगभग 2800 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस कॉल ऑप्शन को खरीदें, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 2400 रुपये पे, और 3800 रुपये तक का मुझे लगता है कि इसमें टारगेट आता हुआ दिखेगा। और एक और स्टॉक मुझे ऐड करना है, अगर आप छोटा ऑप्शन का बिगुल बजवा दें तो एक बैंक और मैं ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो एक बिगुल छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए शुभम जी का। बताएं शुभम जी। दीपांशु जी, एसबीआई पे खरीदारी की राय है, आज पूरा बैंकिंग में एक बेहतरीन रैली देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो एट द मनी का कॉल ऑप्शन, 360 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो अभी 15.80 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, इस कॉल ऑप्शन को खरीदें, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 13 रुपये पे, और 22 रुपये तक का लक्ष्य होगा इस कॉल ऑप्शन के लिए। तो बैंकिंग में आज बेहतरीन रैली है, और एसबीआई उसमें से एक कैंडिडेट हो सकता है जहाँ पे एक अच्छा आज मूवमेंट देखने को हमें मिल सकता है। ओके, तो पिक ऑफ द डे में आईसीआईसीआई बैंक, उसके बाद इंडसइंड पर भी 980 के कॉल खरीदें। और दीप, खरीदारी की राय है, और एक और शुगर स्टॉक जो खरीदारी की राय है वो है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, 141-142 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहां पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। आज जब हम एसआईपी स्टॉक का डिस्कशन करें तो ये बड़ा कंफ्यूजन था कि धामपुर शुगर एसआईपी स्टॉक में लिया जाए या फिर त्रिवेणी इंजीनियरिंग, क्योंकि दोनों ही कंपनियां बराबर अच्छी मजबूत नजर आ रही है। तो हमने सोचा कि अगर दोनों में से एक लेना है, क्योंकि धामपुर में इन्वेंट्री गेन काफी ज्यादा थे,
तो उस हिसाब से दाम पर लिया, लेकिन त्रिवेणी भी उतनी ही मजबूत उतनी ही दमदार कंपनी है, यहां पर भी बढ़िया एक्शन हो सकता है क्योंकि 200 करोड़ के आसपास के इन्वेंट्री गेन त्रिवेणी में भी आ सकते हैं। इसका भी मार्केट कैप 3300 करोड़ है और लगभग 7 रुपए प्रति शेयर के आसपास का इन्वेंट्री गेन सिर्फ शुगर की इन्वेंट्री की वजह से त्रिवेणी में भी हो सकता है। कंपनी लगातार ये भी डेट रिडक्शन कर रही है, 2019 में 1700 करोड़ के आसपास का डेट था, 2020 में घटकर सिर्फ 600 करोड़ के आसपास रह गया, 635 करोड़। तो जबरदस्त तेजी से, और हो सकता है इस साल जिस तरह से शुगर साइकिल स्ट्रॉन्ग है कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाए, तो ये स्टॉक है जो जबरदस्त एक्शन दिखा सकता है। अब आपको इसमें दो स्टॉक लॉस रखने हैं, पोजिशनली जो ट्रेड कर रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको 130 रुपए का स्टॉक लॉस रखना है और ऊपर के टारगेट जो आपके लिए बनेंगे वो बनेंगे 150, 155, 160। इन तीन टारगेट के लिए करनी है खरीदारी, 150, 155, 160 ये तीन टारगेट होंगे जिनके लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आपको खरीदारी करनी चाहिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग के चार्ट एक बार जरा सिमी जी आप देखकर रखें, तब तक एक बार जैन साहब से मैं, चूंकि जैन साहब की पकड़ भी है, मुझे नहीं पता रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा हुआ या नहीं रहा, जैन साहब एक बार जरा त्रिवेणी इंजीनियरिंग इस पर अपनी राय दीजिए। अनिल जी ये मेरा जेम स्टॉक था, रिसेंटली दिया था मैंने इनके दोनों कंपनियों को दिया है त्रिवेणी की, और जबरदस्त मुझे प्रोमोटर बैकग्राउंड और मैं बहुत इंप्रेसिव, मैंने काफी लंबी बात की थी और ओवरऑल मुझे कंपनी बहुत बढ़िया लगी, डेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट, एंड सबसे बढ़िया बात ये स्टॉक मैंने 80-90 रुपए के लगभग अभी रिसेंटली रेकमेंड किया और उसके बाद से ये एक तरफा चल रहे हैं दोनों स्टॉक्स। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी परफॉर्म करेगा।